किचन डायरी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ फिश करी विद ब्लैक सेसमी सीड्स। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। 3 टेबलस्पून ब्लैक सेसमी सीड्स को मैंने ल्यूक वार्म वाटर में 5 मिनट के लिए सोक किया है। 2 अनियन मीडियम साइज को जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है, 1/2 टीस्पून 5 फोड़नी, 12 to 14 क्लोव्स ऑफ गार्लिक को क्रश किया है, ग्रीन चिलीज, हल्दी पाउडर, वेरी फाइनली चॉप्ड 1 टोमेटो, सॉल्ट एज पर टेस्ट। इस डिश में हम मस्टर्ड ऑयल का ही यूज करेंगे। आप चाहे तो रोहू या कातला फिश यूज कर सकते हैं, मैंने यहाँ कातला फिश यूज किया है। अभी मैं इसमें 6 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ। जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक मैं फिश में हल्दी और नमक लगाऊंगी। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट। तेल गरम हो चुका है, अभी हम इसमें फिश को शैलो फ्राई करेंगे। फिश फ्राई हो चुका है तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। अभी ये नेक्स्ट सेट ऑफ फिश को मैं फ्राई कर रही हूँ। हमारा कातला फिश शैलो फ्राई हो चुका है तो चलिए अभी इसकी ग्रेवी की तैयारी करते हैं। जिस ऑयल में हमने फिश को फ्राई किया था उसी ऑयल में हम उसके ग्रेवी को बनाएंगे। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून 5 फोड़। गैस को सिम पर रखें और इस पे क्रश गार्लिक ऐड करें। ये डिश मुझे मेरे फ्रेंड संगीता गोस्वामी ने सिखाया था। फाइनली चॉप्ड अनियन को अभी मैं इसमें ऐड करूँ। हल्दी पाउडर। जब तक प्याज भून रहा है तब तक मैं सेसमी सीड्स का पेस्ट बना लेती हूँ। सोक्ड सेसमी सीड्स, इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। अभी इसका हम एक फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। हमारा पेस्ट तैयार है। अनियन भून चुका है तो अभी इस स्टेज पर हम टमाटर ऐड करेंगे। अभी गैस को मीडियम फ्लेम पे करके हमें इसे भूनना है। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर रही हूँ। अभी मैं इसमें सेसमी पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। सेसमी सीड्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, पर्टिकुलरली जिन्हें डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है उन्हें अपने खाने में सेसमी सीड जरूर ऐड करना चाहिए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक ममास किचन डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑयल सेपरेट हो चुका है, अभी मैं इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर रही हूँ। पानी को आप स्टर करते करते ऐड कीजिए। ग्रेवी में बबल्स दिख रहे हैं और यही राइट टाइम है हमारे ये फिश को इस पे ऐड करने के लिए। फ्लेम को लो करके अभी हम इसे 3 मिनट के लिए ढक। 3 मिनट हो चुके हैं और हमारा फिश करी ऑलमोस्ट तैयार है।
जस्ट एक फाइनल टच देना बाकी है। इस डिश में शार्पनेस लाने के लिए ऊपर से 1 teaspoon मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूं। ग्रीन चिलीज को स्लिट करके डाल रही हूं। आप इसे गरम गरम चावल के साथ खा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए रेसिपी के साथ।